वाह शुक्र है आज धूप निकली, आज खेलने का मजा आएगा। हाँ वाकई बहुत मजा आएगा। चलो आयशा भी इधर खेलते हैं। चलो सुदला खेल स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो आयशा भी। वाह कितना मजा आ रहा है। हाँ वाकई बहुत मजा आ रहा है। ये लोग कितने मजे से खेल रहे हैं, मेरा भी दिल करता है खेलने को, लेकिन मैं हमेशा खिलौनों के साथ ही खेलती रहती हूँ। सुदला उधर देखो वो बच्ची अकेली बैठी हुई है। हाँ आयशा पी चलो इससे पूछे क्या इसने हमारे साथ खेलना है। हाँ चलो। सुनो जी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैं इसलिए अकेली बैठी हूँ क्योंकि मैं अपने टॉय के साथ खेल रही हूँ ना। आप हमेशा टॉयज के साथ ही खेलती हो? जी मैं हमेशा टॉयज के साथ ही खेलती हूँ। आप टॉयज के अलावा कोई और गेम क्यों नहीं खेलती? मैं अकेली जो हूँ इसलिए मैं कोई और गेम नहीं खेलती, मैं अपने टॉयज के साथ खेलती हूँ। अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ खेल सकती हो। क्यों सुदला मैंने ठीक कहा ना? जी आयशा भी आपने ठीक कहा, और अगर आप हमारे साथ खेलना चाहती हो तो आप हमारे साथ खेल सकती हो। क्या वाकई मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? चलो ठीक है मैं अपने टॉय को यहाँ रखती हूँ और हम लोग खेलने चलते हैं। चलो फिर हम फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं। नेहरू खेलने गई थी अभी तक आई नहीं, देखता हूँ उसे। वैसे वाकई खिलौनों से ज्यादा ऐसे खेलने में ज्यादा मजा आता है। हाँ ठीक कहा। पार्क में खेलने गई थी। ओह ये क्या? नेहरू ने अपना खिलौना इधर रख दिया और खुद इन बच्चों के साथ खेल रही है। मेहरू आपको शायद आपके पापा बुला रहे हैं। मेहरू इधर आओ, क्या कर रही हो वहां पर? ओ जी ये तो मेरे पापा ही है, मैं आ रही हूँ अभी। जी पापा। बेटा आप क्या कर रही हो इनके साथ? पापा मैं इनके साथ फुटबॉल खेल रही हूँ। बेटा आप अपने टॉय के साथ खेलो, क्या इन बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गई हो? पापा मैं टॉय से खेल खेल के थक गई हूँ, मेरा भी दिल करता है बच्चों के साथ खेलने को। उफ मेहरू मैं आपको इतने अच्छे अच्छे टॉयज लेकर देता हूँ सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों से दूर रहो, आप घर में सिर्फ अपने टॉयज के साथ खेलो। पापा ये अच्छे बच्चे हैं, ये खुद मुझे बुलाने आए थे ताकि मैं इनके साथ खेलूं। और हम तीनों कब से खेल रहे हैं और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ शुरू में ये ऐसे ही करते हैं बच्चे, पहले दोस्ती करते हैं और बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। पापा ऐसा मत बोले, अगर उन्होंने सुन लिया तो उनको बुरा लगेगा। उन्होंने सुनना क्या है, मैं उन्हें खुद मना करता हूँ कि मेरी बच्ची से दूर रहें। सुनो बच्चों। जी अंकल। इधर आओ। हम अच्छा आ रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं?
नेहरू रुको आप, मैं इन्हें खुद ही मना करता हूँ। जी अंकल बताएं, हमने क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया कि आपने मेरी बच्ची के साथ नहीं खेलना आंदा। मेरी बच्ची को सिर्फ खिलौनों के साथ खेलने की आदत है, आप जैसे बच्चों के साथ नहीं। हम जैसे बच्चों के साथ क्या मतलब अंकल आपका? अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? आप जैसे जो बच्चे हैं ना, वो पहले दोस्ती करते हैं और बाद में नुकसान पहुंचाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाए। अंकल आप गलत सोच रहे हैं, हम आपकी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। वो तो अकेली वहां बैठी हुई थी, तो हमने उसको बुला लिया खेलने के लिए। जी पापा ये ठीक कह रहे हैं, और मैं अपनी मर्जी से आई थी इनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि मैं खिलौनों के साथ खेल खेल के थक गई हूँ। अब मैं भी बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। बस मेहरू, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने कह दिया ना इन बच्चों के साथ नहीं खेलना, अपने घर में सिर्फ खिलौनों के साथ खेलो। अब मैंने कुछ और नहीं सुनना, मैं घर जा रहा हूँ। चुप करके अपना टेडी उठाओ और सीधा घर आओ, बिल्कुल भी देर नहीं करनी। ठीक है पापा। मैं अपने पापा की तरफ से सॉरी कहती हूँ आप दोनों को, मेरी वजह से आप दोनों को इतना कुछ सुनना पड़ा। आप सॉरी मत कहो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपके पापा आपको बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं देते। सिर्फ खिलौनों से क्यों खेलने देते हैं आपको? क्योंकि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि मुझे कोई तकलीफ हो। वैसे आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम असदुल्ला है। और मेरा नाम आयशा, आप मुझे आयशा भी कह सकती हो। और मेरा नाम तो आप लोग ने पापा से सुन ही लिया होगा, मेरा नाम मेहरू है। ठीक है फिर आप घर जाओ, इससे पहले आपके पापा फिर आ जाएं। ठीक है, थैंक यू आप दोनों का कि आप दोनों ने मुझे खिलाया। कोई बात नहीं, अगर आपके पापा आपको परमिशन दे हमारे साथ खेलने के लिए, तो आप हमारे साथ खेल सकती हो। चलो ठीक है। अब हम भी घर चलते हैं। चलो चले। ओह वो देखो आयशा भी मेहरू गिर गई। चलो चलो उसको उठाएं। चलो। क्या हुआ मेहरू, क्या हुआ? मैं इस पत्थर से गिर गई थी। मैं आपको उठाती हूँ। मैं ये पत्थर उठाता हूँ। शुक्रिया आयशा भी। मैं इसका टैडी भी सज लेता हूँ। चलो अपना टैडी। थैंक यू। मेहरू क्या हुआ मेरी बेटी को? ओह आपके पापा आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं पापा, बस इस पत्थर से मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घुटने में लग गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर इन दोस्तों ने मुझे बचा लिया। हाँ ये तो मैंने भी देखा कि इन दोनों ने आपको उठाया था। थैंक यू बच्चो। कोई बात नहीं अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। जी ये तो हमारी दोस्त भी है ना? जी ये आपकी दोस्त भी है। सॉरी मैं आप दोनों को समझ नहीं सका, और कुछ सोचे समझे बिना आपको इतना कुछ कह दिया। कोई बात नहीं अंकल, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि बच्चों के बारे में इतनी बुरी सोच मत रखें, और हाँ अपने बच्चों को खिलौनों के साथ नहीं बाहर भी खेलने दिया करें। जी पापा मैं खिलौनों के साथ खेल खेल के थक जाती हूँ, इसलिए मैं भी बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। हाँ मेहरू ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप चाहो तो इनके साथ खेल सकती हो। क्या सच पापा? जी सच, अपना टैडी मुझे दे दो और आप इनके साथ खेल सकती हो, और आप इनके साथ खेल के जल्दी घर आ जाना। ठीक है पापा थैंक यू। चलो हम खेलते हैं। चलो हाय फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन
सी यू सून एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।